अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और बारी है स्टेडियम रोड कॉलेज के पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अब थोड़ा सा हमने ज़्यादा करनी है, टाइम ना होने के बराबर रह गया, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर को स्किप करके मैंने कहा कि सेकेंड ईयर का अपलोड किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। लेज़र का प्रिंसिपल क्या है? लेज़र जो प्रोड्यूस होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होता है या स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो याद रखिए, ये जो लेज़र है इसकी फुल फॉर्म यही है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस वजह से इसका जो प्रिंसिपल है वो लाई करता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पे। और जो नॉर्मल लाइट निकलती है ट्यूबलाइट से, बल्ब से, एनर्जी सेवर से, वो होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक्स्ट्रा बता दिया, हो सकता है वो भी क्वेश्चन आ जाए, बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, अगर रेशियो निकाला जाए रेडियाई का, दो रेडियाई का थर्ड और फर्स्ट ऑर्बिट का, तो क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस का जो फॉर्मूला है nth ऑर्बिट का वो होता है n का स्क्वायर इंटू R1, ठीक है जी। तो R1 तो बहरहाल R1 ही रहेगा, रेशो हमें चाहिए किस किस का, रेशो हमें चाहिए थर्ड ऑर्बिट से ना। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे आ जाएगा R3, R3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे 3 और आ जाएगा R1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा R1 और R3। और याद रखो हमें जो है वो जो मालूम करना है रेशो, वो किसका मालूम करना है, R3 और R1 का। तो R3 डिवाइड बाय R1 करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9 के। और इन फॉर्म ऑफ रेशो अगर लिखेंगे तो R3 का रेशो R1 के साथ दिया जाए तो ये हो जाएगा 9:1। तो करेक्ट आंसर इसमें से हमें चुनना है वो है 9:1। क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल करेस्पॉन्डिंग टू द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो जो कि -273 केल्विन होता है या वो बराबर होता है 0 केल्विन के, तो फारेनहाइट में वो कितना होता है, फारेनहाइट में वो किसको करेस्पॉन्ड करता है, ये बात हमें समझनी है। तो इसको हमें ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो ऑप्शन मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोगों की तरह से सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए जो फार्मूला है फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का होता है 9 TC/5 और प्लस का 32, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 9 × TC, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 32, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का 32। तो सिंप्लीफाई करना है इसको सिंपल, तो डायरेक्टली वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो ये बराबर आता है 459.4 और अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर है 460 के। तो याद रखिएगा, ये याद भी रखना है इसको ना, ज़रूरी नहीं है सॉल्व करो एमसीक्यूज़ को, जितना जल्दी हो सके ना उतना हमें करना है, तो ज़रूरी नहीं है हर उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन मैं आप लोगों की तैयारी के लिए उसको सॉल्व करा रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट देखो -460 फारेनहाइट। क्वेश्चन है 4, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो कि डेल्टा ए होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ही यही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तो करेक्ट आंसर होगा 4 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, जब भी हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी डिक्रीज करते हैं तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की वो बढ़ जाती है। और कार्नो इंजन की एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है, तो देखिए लॉजिकली अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें ना, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखो जब हम कह रहे हैं कि हॉट बॉडी की ज़रूरत है तो हॉट बॉडी जितना हॉट हो उतना बेहतर है, ठीक है ना, और कोल्ड बॉडी जितना कोल्ड हो उतना बेहतर है। तो डिक्रीज़ करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट, अगर दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं तो उनकी दरमियान की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो याद रखिए उनके दरमियान की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है। अच्छा जी, ऑप्शन को देख के मिक्सअप नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है σ/2εo, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, बट सिमिलर चार्ज प्लेट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन बिटवीन बराबर होगी जीरो के। क्वेश्चन नंबर 7, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंटेंट टू 3 इक्वल सेगमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच सेगमेंट विल बी, तो याद रखिए रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी मटेरियल की खसूसियत है। तो अगर आप एक तार के 10 हिस्से भी कर दो तो उससे उसके मटेरियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मटेरियल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो याद रखिए रेजिस्टिविटी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं,
देखना, बल्कि इसी किस्म का क्वेश्चन अगर रेजिस्टेंस के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो डिवाइड बाय थ्री हो जाएगी, बट रेजिस्टिविटी विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो वो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर इज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है किसी भी रेजिस्टर के अंदर उसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो याद रखिए यहाँ पे करेक्ट फार्मूला है आई स्क्वायर आर इन टू टी के, क्योंकि अगर देखा जाए तो पावर डिसिपेशन के फार्मूले के अंदर हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि पावर डिसिपेशन बराबर होती है आई स्क्वायर आर के, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पावर डिसिपेशन किसके बराबर होती है, पावर डिसिपेशन बराबर होती है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के। अब ये एनर्जी डिसिपेटेड की बात कर रहे हैं तो पावर खुद होती है एनर्जी डिसिपेटेड डिवाइड बाय टाइम, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, टी हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, ई बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये जो है ना इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। एडियाबेटिक एक्सपेंशन वो होता है जिसके अंदर जो सिस्टम जो एनर्जी होती है वो ना तो सिस्टम से बाहर निकलती है ना ही अंदर जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के, और याद रखिए ये बराबर है जीरो के, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा यू के। रीअरेंज करेंगे तो इनके दरमियान एक प्रॉपर्टी बनेगी कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, नहीं तो दूसरा क्या रिलेशन बनता है कि अगर इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और फिलहाल ये कह रहे हैं कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये वाली कंडीशन होती है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डिक्रीज होती है, जो कि आप याद भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो चैप्टर नंबर 16 का सबसे ज़्यादा आने वाला यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और वो बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इन टू म्यू नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का प्रोडक्ट होता है। और अगर आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू याद है तो फार्मूला, फॉर एग्जांपल अगर आप भूल भी जाते हो तो आप वैल्यू पुट करके सारे फार्मूला में चेक कर सकते हो, जिसका आंसर 3 × 8 मीटर पर सेकेंड के सबसे ज़्यादा करीब आएगा, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को लेंस लॉ के जरिए फाइंड करते हैं, और लेंस लॉ यही कहता है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है कि अपने फ्लो के जरिए उस चेंज की मुखालफत करता है जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या इंक्रीज करके बढ़ाई जा सकती है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का एक फार्मूला है जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको उल्टा लिखते हैं। याद रखिए सेंसिटिविटी बराबर होती है कितनी रिफ्लेक्शन हुई डिवाइड बाय कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, और थीटा डिवाइड बाय आई बराबर होता है बी एन ए ओवर सी के, सी होता है कपल पर ट्विस्ट, बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स और ए होता है एरिया। भी कह रहे हैं सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो सेंसिटिविटी इन तीनों फैक्टर्स को बढ़ाने से बढ़ सकती है, जबकि अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो सी को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ, सिर्फ बी एन ए को देखना पड़ेगा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 14, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय, ठीक है ना, जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है उसको लेमिनेट किया जाता है किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, तो याद रखिए वो बेसिकली इस वजह से किया जाता है कि उससे ये तीनों के तीनों काम हो जाते हैं, हीटिंग भी कम हो जाती है, एडी करंट्स भी कम हो जाते हैं, और जो फ्लक्स लीकेज है वो भी कम हो जाती है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एम मीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी, शंट रेजिस्टेंस जितनी कम हो उतना अच्छा है, शंट रेजिस्टेंस जितनी कम हो उतना अच्छा है, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिक्रीजेस। ट्रांसिस्टर कैन नेवर बी यूज्ड एज एन, ट्रांसिस्टर को हम किसके तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रांसिस्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम बताते हैं कि हम उसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर, ठीक है ना। अब नन ऑफ दीज तो जाहिर सी बात नहीं होगा, हाँ रेक्टिफायर के तौर पे हम ट्रांसिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ डायोड,
एक दो या चार जितने भी डायोड होते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन ट्रांसिस्टर के जरिए नहीं की जाती। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होता है, तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर, यानी कि वो यूनिट जिसमें हमारे बिल बन के आते हैं वो बेसिकली किलोवाट आर होता है। यानी कि अगर कोई कहता है ना कि 230 यूनिट आए, तो 230 यूनिट का मतलब होता है 230 किलोवाट आर। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस इन विच चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल कॉजेज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द अनदर कॉइल नियर, इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से बराबर वाले किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो, सो इट इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज इज, ठीक है वैसे तो इसको भी याद रख सकते हो लेकिन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाते हैं। फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, हमें मालूम करने हैं नंबर ऑफ चार्जेस, तो क्यू ओवर ई हो जाएगा। क्यू ये कह रहे हैं कि वन कूलम है, ठीक है ना, क्यू कह रहे हैं वन कूलम के बराबर है, एन मालूम करना है, डिवाइडेड बाय, तो ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹, जस्ट इसको डिवाइड कराना है, 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये आंसर आता है 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कूलम के अंदर वो इतने होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁹। क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, याद रखिए फोर्स पर यूनिट लिखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, पर ये कह रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को इधर डिवाइड में भेजो, एफ ओवर एल हो जाएगा, तो एफ ओवर एल आएगा बराबर बी आई और साथ में आ जाएगा साइन थीटा के, तो करेक्ट आंसर होगा बी आई साइन थीटा, ये आ गया आई बी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 21, विल्सन क्लाउड चैम्बर इज यूज टू, विल्सन क्लाउड चैम्बर का क्या काम है, फॉर द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, टू प्रोड्यूस एक्स रेज, टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द ट्रैक ऑफ हाई वेलोसिटी आयंस, टू प्रोड्यूस बीटा पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर का काम होता है टू ट्रैक द पाथ ऑफ अल्फा बीटा और गामा, जिसे हाई वेलोसिटी आयंस कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ना होने के बराबर के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से हम जो है कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन्स ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी लिहाज से क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखें तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का काम सिंपल सा है, एन बराबर होता है ए माइनस जेड के। अब इन्होंने ए कितना दिया है, यूरेनियम का ए है एटॉमिक मास 235 − 92 कितना हो गया, 235 − 92 इज इक्वल टू 143। तो बस करेक्ट ऑप्शन ढूंढना 143, यही वाला है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, पी टाइप का मतलब हो गया पॉजिटिव टाइप, इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स भी नहीं होता, तो वो तो बस बिल्कुल ही हटा दो। प्रोटॉन्स से पॉजिटिव होता है बट प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, याद रखो प्रोटॉन बहुत हैवी हैं, प्रोटॉन्स जो है ना बहुत हैवी पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर सकता है बट प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। तो ये जो पी टाइप होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं होल्स, होल्स वो खाली जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, एब्सेंस है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज द इनवर्स ऑफ, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जाके मेटल सरफेस से टकराते हैं, ठीक है ना। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और जब किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर लाइट जाती है, किसी मेटल सरफेस से टकराती है और इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन लेमैन सीरीज, तो लेमैन सीरीज पहली सीरीज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब हो गया इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, तो 6400 ईयर्स के बाद कितना रह जाएगा,
तो कितनी कमी आ जाएगी बताना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी मरतब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, हमने आपको तरीकेकार बताया, अगर आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो कितना टाइम गिवेन है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कराओ। टाइम गिवेन है 6400, ठीक है जी, और हाफ लाइफ गिवेन है हमारे पास 1600 ईयर्स। तो ये हो जाएगा बराबर किसके, 6400, 6400 डिवाइडेड बाय 1600, ये बराबर होता है 4 के। तो इसका मतलब चार हाफ लाइफ गुजारेगा। चार हाफ लाइफ गुजारने का मतलब, अगर मिसाल के तौर पे एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो आधा रह जाएगा एन नॉट अपॉन टू, दूसरी हाफ लाइफ गुजारने के बाद वो हो जाएगा एन नॉट अपॉन फोर, दोबारा आधा हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा एन नॉट अपॉन एट, और चौथी हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा एन नॉट ओवर 16। तो राइट आंसर होगा 1/16। क्वेश्चन नंबर 28, डबली चार्ज हीलियम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, ये जो हीलियम चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसको अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है। हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फॉरबिडन कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 29 आगे आ गया। अगर इफ अ सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फ्रीजिंग, अगर कोई सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रीजिंग पे, एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर डैश द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, अगर हमें पता है कि एक सब्सटेंस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रीजिंग पर, तो अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिए, ऐसा करने से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना, और प्रेशर को इंक्रीज़ करने की वजह से अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये उन सब्सटेंसेस की बात हो रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑन फ्रीजिंग, ना कि एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन फ्रीजिंग, जैसे कि वाटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट रेडिएट्स नो एनर्जी। बोहर के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना तो वो एनर्जी को गेन करता है ना ही एनर्जी को लॉस करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉन्स्टेंट रहता है। हाँ, जब ऊपर से नीचे आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, लोअर से हायर में जाता है जब जबकि गेन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज द फोर्स ऑफ रिपल्जन टू बी चेंज्ड बाय, 1/2 कर देंगे तो चार गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अगर आधा कर देंगे डिस्टेंस तो फोर्स चार गुना बढ़ जाएगी। क्यों फोर्स चार गुना बढ़ जाएगी, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल सी एक बात है, हमें पता है फॉर्मूला एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस को हम कर रहे हैं हाफ। अच्छा, ये तो बात कंफर्म है कि जब हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, ये बात तो सही है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से जैसे ही हम हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो 1/4 का इन्वर्स हो जाएगा कि फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 32, फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वजह यह है कि जब पेयर प्रोड्यूस होता है तो एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और उनके रेस्ट मासेस 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। तो क्योंकि पेयर को प्रोड्यूस करना है तो उसका डबल हो जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब होता है जब आने वाली रेडिएशन की जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आने वाली एनर्जी एच न्यू नॉट नहीं होती है, इसको भी ख़त्म कर दो बात, ये भी बात गलत हो गई, इन दोनों ऑप्शन में से देखना है। तो मैं कह रहा हूँ आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5 नॉट। दिस वन जो सेकेंड वाला आंसर है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं, क्वांटम शिफ्ट डिपेंड ओनली ऑन फोटॉन्स। जो क्वांटम शिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फोटोन के किस चीज़ पर, तो वो डिपेंड करता है फोटोन के स्कैटरिंग एंगल पर, ना ही वेवलेंथ पे, ना ही एनर्जी पे, ना ही फ्रीक्वेंसी पे, वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पर। क्यों डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पे, या हमें कैसे पता कि भाई स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है, तो आप क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखिए, एच अपॉन एम नॉट सी, एच कॉन्स्टेंट, एम नॉट सी कॉन्स्टेंट, यानी कि चेंज इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एंगल पर। क्वेश्चन नंबर 35, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ इनर्शियल। वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल पे एप्लीकेबल है जो गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इज टेकन इन द फूड, मोस्ट ऑफ इट इज डिपॉजिटेड इन द थायराइड ग्लैंड्स। अगर हम जो है वो आयोडीन लेते हैं तो मेजॉरिटी जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर रुक जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37,
गाइगर म्यूलर काउंटर कंटेन, जो गाइगर म्यूलर काउंटर है वो कंटेन करता है एर्गन एंड अल्कोहल, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द गाइगर म्यूलर काउंटर के अंदर एर्गन और अल्कोहल दोनों फिल होते हैं। 38 डोनर इम्प्योरिटीज़ आर, डोनर इम्प्योरिटीज़ वो हैं जिनका ताल्लुक ग्रुप 5 से होता है। ग्रुप 5 से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं वो हैं डोनर इम्प्योरिटीज़। और ग्रुप 5 के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? ग्रुप 4 के अंदर आ रहा है हमारा, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो पहचान बता रहा हूँ, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो लिथियम तीसरे ग्रुप का आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास? अब बचा, हमने देखना है आर्सेनिक को और हमें देखना है इंडियम और गैलियम वगैरह को। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग है, ये एल्यूमिनियम ये होना चाहिए आर्सेनिक एल्यूमिनियम, जो कि ताल्लुक रखती हैं हमारे फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से, जो कि डोनर इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं, क्योंकि इंडियम और गैलियम ये तो हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, ठीक है। सिलिकॉन खुद ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है, लिथियम ग्रुप 3 से, इस वजह से यही आंसर सही है। लेकिन ये ए बी जो है ना मिसप्रिंटिंग हो सकती है बहरहाल, लेकिन आर्सेनिक तो सही है, इसका ताल्लुक डोनर इम्प्योरिटीज़ से। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन सेमी कंडक्टर्स। याद रखो ये जो फॉरबिडन गैप है कंडक्टर्स में होता ही नहीं है, ठीक है, और इंसुलेटर्स के अंदर वाइड होता है और सेमी कंडक्टर्स में नैरो होता है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर होगा रिलेटिवली नैरो। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, इसमें से कौन सा मटीरियल मैग्नेटिक नहीं है? निकल, आयरन, सिल्वर, कोबोल्ट। तो इनमें से एक ही मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक नहीं है, ना होने के बराबर मैग्नेटिक है, वो है सिल्वर, जबकि आयरन, निकल, कोबोल्ट ये तो अच्छे खासे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट इज ऑफर्ड बाय, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में जोड़ें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देती है? तो याद रखिए इसमें वाहिद जो चीज़ है, इलेक्ट्रिकल बल्ब भी जो है वो कम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी चलता है, सोलेनोइड भी चलता है, बट कैपेसिटर्स आर ओनली फॉर डीसी, वो सिर्फ डायरेक्ट करंट के लिए होते हैं, वो अल्टरनेट करंट के लिए नहीं होते, अल्टरनेट करंट को कभी भी पास नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 42 एंड लास्ट वन, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस तो बढ़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, लेकिन इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स का रिलेशन जो है ना इनवर्स है, ठीक है भाई। तो ये हो गए सारे के सारे MCQs, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। वैसे तो डॉक्यूमेंट मैंने मैथ के साथ अपलोड किया था, लेकिन सब बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो अगर आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।